हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने क्लैन लीडर को कैसे किकआउट कर सकते हैं। वैसे तो ये बात काफ़ी प्राइवेट है, पर मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि मुझे मेरे ही क्लैन से किकआउट कर दिया गया था। तो मैं वापस आ चुका हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो CM बंटा जो है, ये बंदा, इस बंदे ने मेरे सभी फ्रेंड्स को किकआउट कर दिया है। तो मुझे इसको किकआउट करना है, उसके लिए मुझे इसकी चैटिंग में जाकर इसकी रिपोर्ट करनी है। उसके बाद मुझे इसकी प्रोफाइल में जाना है, जो कि यहाँ है, और उसके बाद मुझे इसका जो टैग है उसको कॉपी करना है। इसका टैग कॉपी करने के बाद मुझे सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ लिखा होगा हेल्प एंड सपोर्ट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप इस विंडो पे आ जाएंगे। तो यहाँ और नीचे लिखा होगा यहाँ ऊपर आइकन होगा सर्च का, तो आपको यहाँ पर लिखना है और क्लैन लीडर। तो यहाँ शो करेगा आवर क्लैन लीडर इज नेवर ऑनलाइन, तो आपको इस पे टैप करना है। और आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा, तो जैसे आप यहाँ टैप करेंगे नीचे ऑप्शन होगा टाइप योर मैसेज, तो आपको यहाँ पर लिखना है आवर क्लैन लीडर टैग, और यहाँ आपको टैग कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर लेना है, तो और आपको ये भेज देना है। जैसे आप इसको भेजेंगे आपको वापस आ जाना है। जैसे आप गेम में वापस आएंगे, वो बंदा जो है वो डिमोट हो जाएगा अपने आप, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर लीडर बना है पेसिव वॉरियर, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ एक ही बंदा को लीडर था, जो था पेसिफिक वॉरियर। तो अब हमें इस बंदे को किकआउट मारना है ताकि हम इस क्लैन को दोबारा शुरू कर सकें। तो आप दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आप अपने क्लेन लीडर को कैसे किकआउट मार सकते हैं। यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया है, तो मैं उसे रिप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने उसे किकआउट कर दिया है। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।